तो आइए दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस करते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से एक राइजिंग वेज चैनल में ट्रेड कर रही है, राइजिंग वेज फॉर्मेशन में ट्रेड कर रही है एंड उसका जो लोअर सपोर्ट जो आ रहा है वो है 20,900 का है एंड हमने पहले भी इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था। एंड दोस्तों अगर आज के लेवल की बात करें, आज के लो की बात करें तो आज का जो लो था वो 21,036 का था, यानी कि पिछले कई दिनों से 20,900 का जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी ने वो पकड़ के रखा है एंड 50 डीएमए के ऊपर भी बैंक निफ्टी की जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हुई है, तो लाइकली चांसेस है कि पॉजिटिव मोमेंटम ये दो चीजों के बेस पे हमें देखने को मिल सकती है। तो पोजिशनली दोस्तों अगर आपकी पोजिशन लॉन्ग है तो आप 20,900 का एक सपोर्ट एसएल मेंटेन कीजिए, क्योंकि वो ब्रेक करता है तो लाइकली चांसेस है नीचे में 20,500 से लेकर 20,300 तक के डाउनसाइड के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड दोस्तों ऐसे अपडेट्स हम हमारे टेलीग्राम चैनल बियॉन्ड टेक्निकल्स विद कुणाल में भी देते हैं, लाइव मार्केट में हम फ्रेश कॉल भी देते हैं एंड वो कॉल हमने किस पैरामीटर्स है, किस इंडिकेटर्स के बेस पे जनरेट किया है वो भी हम चार्ट पे दिखा सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि टेक्निकल चार्ट देख के कैसे कॉल निकाला जाए एंड कैसे रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया जाए। तो आइए दोस्तों इंट्राडे चार्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये है इंट्राडे चार्ट बैंक निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट पे मैंने यहाँ पे 50 MA लगाया है। दोस्तों मैंने पहले भी आपको 50 MA के बारे में बहुत कुछ बताया है कि 50 MA 5 मिनट के चार्ट पे कैसे रिलीजियसली वर्क करती है, मैं आपको यहाँ पे वही दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे 50 MA का हमें ब्रेकडाउन मिला, नो डाउट उसके बाद की जो मोमेंटम थी वो डाइसी थी, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे जो ब्रेकडाउन मिला अगर मैं इसका लो पकड़ता हूं तो आप देख सकते हो कि इस हिसाब से वो कैंडल के लो ब्रेक करने के बाद हमें एक डाउनसाइड की मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिली एंड उसके बाद हमें 21,036 के लो देखने को मिला। तो दोस्तों 50 MA किस हिसाब से वर्क करता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो एंड अगर आपको एक अच्छा खासा सेटअप चाहिए तो आप 5 मिनट चार्ट पे 50 MA फॉलो कर सकते हो। दोस्तों ये है हमारा बियॉन्ड टेक्निकल्स विद कुणाल का टेलीग्राम चैनल एंड हमने यहाँ पे 11:48 को बोला था कि सेल बैंक निफ्टी 21,320, एसएल 21,500 का था एंड टारगेट 21,050 का था। नो डाउट 21,320 पे देने के बाद 21,400 के ऊपर की मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन 2:37 पे हमें हमारा टारगेट भी अचीव होते हुए दिखा। तो दोस्तों ये है हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने का बेनिफिट, आपको यहाँ पे लाइव कॉल्स मिलेंगे, फ्रेश रिकमेंडेशन मिलेंगे वो भी चार्ट के साथ, ताकि साथ साथ आप भी सीख सको कि चार्ट को देख के कैसे कॉल निकाले जाते हैं। तो दोस्तों आइए एक बार इंट्राडे लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी का जो अपर ब्रेकआउट लेवल है वो है 21,530 का है, अगर बैंक निफ्टी 21,530 के ऊपर सस्टेन करती है तो 21,649 से लेकर 21,768 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, जबकि लोअर लेवल पे उस टाइम पे जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो है 21,385 का एंड लोअर लेवल पे 20,960 का एक ब्रेकडाउन लेवल है। अगर बैंक निफ्टी ड्यूरिंग इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो 20,840 से लेकर 20,720 तक के डाउनसाइड के लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, जबकि उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस हमें दिखेगा वो है 21,105 का। तो दोस्तों प्लीज ये जो लेवल है उसको नोट डाउन कर लीजिए, ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन ये लेवल काफी काम आ सकते हैं एंड मैं आज एक्सेप्ट करूंगा कि ये लेवल के बेस पे आज हमारा एसएल हुआ है, लेकिन आज इसका मतलब ये नहीं होता कि ये लेवल में कुछ गड़बड़ी है। दोस्तों प्लीज ये कोई इंट्राडे चार्ट देख के निकाले हुए लेवल नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है एंड अगर चार ट्रेड में से अगर एक ट्रेड लेवल के बेस पे गलत जाता है तो उसको हम गलत नहीं बोलेंगे। तो प्लीज ये जो लेवल है नोट डाउन करके रख लीजिए, ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन ये लेवल आपको काफी काम आ सकते हैं। निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी का अपर ब्रेकआउट लेवल है 10,322 का, अगर 10,322 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होती है तो 10,355 से लेके 10,374 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, जबकि लोअर लेवल पे 10,289 का उस टाइम पे हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। एंड ब्रेकडाउन लेवल की बात करें तो 10,195 का एक ब्रेकडाउन लेवल है, अगर निफ्टी वो ब्रेक करती है तो 10,162 से लेकर 10,143 तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं लोअर लेवल पे, जबकि उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो है 10,228 का। तो प्लीज दोस्तों ये लेवल आप फॉलो कीजिए फॉर ट्रेडिंग।